अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कमर शहजाद एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ जी। मुझे जी आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया जी। कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स के हवाले से सब लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। इसमें अक्सर लोगों ने ये सवाल किया कि सर आप कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स के हवाले से सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, हमारे लिए कोई ऐसी वीडियो भी बनाएं जिसमें हमें ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका सिखाया गया हो और वो तरीका जेन्युइन हो और घर बैठे हम कुछ अच्छी खासी अर्निंग कर सकें जिससे हम अपने घर को भी सपोर्ट कर सकें और अपने तालीम के खराजात भी उठा सकें। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज आपके लिए जो वीडियो मैंने बनानी है आपको बताऊंगा मैं कि आप कैसे घर बैठे बआसानी जो है सिर्फ 2 घंटे सिर्फ लैपटॉप पे आप या मोबाइल पे काम करके आप $10 से $15 ईजीली आप कमा सकते हैं जी। ये सब तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ ये थंब अल्लाह ताला ने हमें दिया है, लाइक और सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को आपने। अगर अभी आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। चले जी, अब मज़ीद कोई टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, आइए जी हम लैपटॉप की तरफ चलते हैं। थैंक जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो जी मैं आपको सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है जी, उसका नाम है जी पीको वर्कर्स। मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ आपके सामने के लिए, PICOWORKERS PicoWorkers.com जी। ये साइट क्या है जी, इसके बारे में आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे छोटे छोटे टास्क आपने कंप्लीट करने होंगे रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, जिस तरह कोई किसी चीज़ में साइन अप करना है आपने, जिसमें कोई गूगल का अकाउंट बनाना है, कोई फेसबुक एड्स का फीडबैक देना है आपने, ठीक है। इस तरह छोटे छोटे डिफरेंट टास्क हैं जो कि पेड टास्क होते हैं, ठीक है, जिनके आपको विड्रॉ मिलेगा, जिनको आपको पेमेंट मिलेगी जो आपके वॉलेट में जमा होती जाएगी। देखिए जी, मैंने PicoWorkers.com ओपन किया है, इनका जी जो हेडलाइन आ रही है स्मॉल गिग्स बिग रिजल्ट्स जी। अब हम क्या करेंगे, हमने बनाना है अपना इसमें एक अकाउंट, इसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, साइन अप के बाद आपके पास एक ऑप्शन, ये फॉर्म आज फॉर्म खुल जाएगा जी साइन अप करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपना जो नाम आपने देना है अकॉर्डिंग टू योर CNIC, जो का रियल नेम है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये आपके इंटरनल वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, इसके में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश करें कि आप जो नाम आप रियल यूज़ करें, क्योंकि जब आपने विदड्रॉ कराना है तो डेफिनेटली आपके CNIC पे विदड्रॉ होगा, उस रियल नेम पे होगा। लेट्स से मैं करता हूँ जी, यहाँ पे अपना नाम मेंशन करता हूँ जी मैं, ठीक है जी। ईमेल, कोई भी ईमेल आपने गूगल पे बनाया हुआ क्रिएट किया, कोई भी ईमेल अकाउंट है आपका, याहू पे है, किस पे भी है, वो आप दे दें यहाँ पे। लेट्स से जी मेरा नाम मैं देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड आप कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं वो कर दें, निक नेम आप कुछ भी रखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है जी। यहाँ पे कंट्री आप लाजमी सेलेक्ट करें, ये देखिए जी मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ है। अगर नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है जी, बाज़ुकात मैंने अक्सर नोट किया है कुछ लोग होते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री पे क्लिक करते हैं, कुछ खुलता नहीं है, वो जल्दी से कुछ और सेलेक्ट करते हैं, एशियन पैसिफिक रीजन या कुछ गलत कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा इसका अकाउंट एक जो है एक ही बार बनता है एक सिस्टम के लिए, अगर आप मल्टीपल अकाउंट चलाएंगे एक ही IP एड्रेस पे तो ये आपको ब्लॉक कर सकते हैं। तो जेन्युइन आपने एक ही अकाउंट क्रिएट करना है, कोशिश ये कीजिए जी। मैं आगे चलता हूँ, कंट्री मैंने सेलेक्ट कर लेना है अपना पाकिस्तान, ये देखें जी पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने एग्री करना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है जी। ईमेल एड्रेस कंप्लीट नहीं दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद अपने साइन अप करना है, या हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करवा देगा जी। कहता जी पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 करेक्टर्स एंड कंटेन 1 अपर केस 1 लोअर केस एंड 1 नंबर जी। चले हम इसकी मान लेते हैं जी, 1 अपर केस दे देते हैं हम, और 1 लोअर केस दे देते हैं हम,
उसके बाद हम साइन अप करते हैं। नेम उसने कहा जी पहले ले चुके हैं, हम यहाँ पे कोई और नेम यूजर नेम ले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आपने ईमेल कंफर्म करना है। जब तक आप ईमेल कंफर्म नहीं करेंगे, जब तक ये आप इस पे काम नहीं कर सकते। तो मैं ईमेल कंफर्म करने के लिए अपने ईमेल में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ईमेल एड्रेस ओपन किया हुआ है। मुझे पीको वर्कर्स की तरफ से एक मेल आ गई है, ये मैं कंफर्म करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ये एक लिंक है इन्होंने दिया हुआ जी, ये वाला यहाँ पे, इसको मैंने क्लिक करना है अपने अकाउंट की एक्टिवेशन के लिए। इसमें मैं एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा और इसको लेट से मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये देखिए जी, वार्निंग डू नॉट वायलेट दीज रूल्स, ये आपको रूल्स बता रहे हैं कि अगर आप इस पे काम करना है तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। डू नॉट यूज VPN प्रॉक्सी और अदर टाइप ऑफ मास्किंग IP एड्रेस सॉफ्टवेयर। नंबर टू, डू नॉट ओपन और ऑपरेट मल्टीपल अकाउंट्स। ठीक है जी, एक IP पे हमने मल्टीपल अकाउंट्स ओपन नहीं कर लेने। डू नॉट क्रिएट मैनी अकाउंट्स विद सेम IP एड्रेस। ठीक है जी, एक ही सिस्टम या IP एड्रेस पे अपने डिफरेंट मैसेज, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था। डो नॉट यूज द सेम IP एड्रेस यूज विद अदर अकाउंट्स टू डू टास्क, ये आपने पढ़ लेना है जी। सीधा सीधा बातें मैंने आपको बता दी जो आपने नहीं करनी है। पार्टिसिपेट नहीं करना आपने इस लिंक को, अपने जो अपना है उसको जो है प्रमोट नहीं करना किसी सोशल मीडिया पे। आपकी प्रमोशन को एक प्लेटफॉर्म आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, फोरम्स देंगे आपको, वहाँ पे आप प्रमोशन कर सकते हैं, जिसके बाद आई एग्री करूँगा मैं। तो ये आपके सामने, ये सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ जी फाइंड जॉब्स, कैटेगरी आ रही है, सब कैटेगरी आ रही है, पेमेंट लोकेशन, ये क्या चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। देखिए ये अर्नड आपकी अमाउंट, यहाँ पे स्पेंडेबल जो आप स्पेंड कर सकते हैं, जो पेंडिंग अमाउंट है। करना क्या है आपने कि छोटे छोटे जॉब्स आपको दी होंगी इन पेजेस पे, आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी के, मुझे कौन सी जॉब मैं कर सकता हूँ, वीडियो मार्केटिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सर्च क्लिकिंग कर सकते हैं फेसबुक के लिए, कोई इंस्टाग्राम का आईडी, कोई ट्विटर आईडी की प्रमोशन में कर सकती हूँ, किसी वोटिंग रेटिंग रैंकिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी जॉब, अगर आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास सारी की सारी जॉब्स ही ओपन कर देता है पेज वाइज। तो ये देखें जी, मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की टास्क आ रही छोटे छोटे काम करके, जिनकी पेमेंट्स आपको साथ साथ या मैक्सिमम आपके 7 डेज के अंदर क्लियर हो जाती है। 7 डेज रेट आ रहा है, देखें जी $0.140। इसमें सिर्फ जस्ट करना कि आपने जीमेल और फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है, दैट्स इट। और उसका ये आपको बताएंगे, लेट्स मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि करना कैसे है, क्या करना है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने बताना है मेल है फीमेल है, लेट्स मैं मेल, इसमें मैंने क्लिक कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आप कंफर्म करेंगे, कोशिश करेंगे डेट ऑफ बर्थ वही दें आप जो आपके अकॉर्डिंग टू CNIC। लेट्स से मैं करता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ अपनी ठीक है जी। तो इसके बाद आपने सिटी चूज कर लेना है, यहाँ पे कोई सीक्रेट क्वेश्चन देना चाहते हैं दे दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ व्हाट इज योर निक नेम। ये देखिए जी, काम शुरू करने से पहले वो चीजें हैं जो उनकी फॉर्मेलिटीज आपने पूरी करनी है लाजमी। सिक्योरिटी आंसर लेट्स से मैं कहता हूँ जी DR, इसको मैंने सेव करता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन को। ये देखें जी, तो उसने कहा जी पहले टास्क जिस पे मैंने क्लिक किया था Gmail प्लस Facebook अकाउंट क्रिएट करने हमने, ठीक है जी। तो उसने कहा जी पहले आप इस लिंक पे जाएं, यहाँ से Gmail अकाउंट करें, फ़ोन नंबर वेरीफाई करें और रिकवरी ईमेल ये वाला दें, ठीक है। इसके बाद आप ये लिंक ओपन करें, इस लिंक के जरिए आप Facebook अकाउंट बनाएं, वेरीफाइड फ़ोन नंबर दें, थिंग्स टू बी मैंशन, ये जो आपको बता रहा है कि तो पासवर्ड और जी मेल और फेसबुक अकाउंट्स का, दोनों का जी मेल और फेसबुक का आपने सेम रखना है कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने प्रूफ कहाँ देने होते हैं जी, यहाँ पे टाइप करना है आपने, या तो वो आपसे स्क्रीन शॉट मांग लेंगे या आप टाइप करके प्रूफ दे सकते हैं। ये स्क्रीन शॉट ये देखें जी मांगा इसने, स्क्रीन शॉट ऑफ फेसबुक अकाउंट शोइंग दैट यू हैव नॉट रिमूव फोन नंबर, स्क्रीन शॉट लगाएं
और स्क्रीनशॉट दें जीमेल अकाउंट का शोइंग द फेसबुक वेरिफिकेशन ईमेल विद डेट एंड टाइम जो आपके सिस्टम पे आ रही है, जिसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना और सबमिट कर देना है। 4 से 5 मिनट का काम है, अगर ले लिया आप यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा काम करते हैं जम के अच्छे तरीके से, अगर आपकी स्पीड टाइपिंग स्पीड अच्छी है या आप समझते हैं कि मैं जो है इस तरह के टास्क जल्दी जल्दी परफॉर्म कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। एटलीस्ट आप अगर आप कुछ ना चाहते हुए भी आप 10 से 5 से 10 या इस तरह इससे भी ज़्यादा आप डॉलर आप कमा सकते हैं इस पर डेली के, तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। ये कोई जो है इसमें किसी किस्म की कोई वो स्कैम नहीं है, ठीक है जी। मैंने अपना पेमेंट जो है मेरी पेंडिंग थी मैंने विदड्रॉ करा के देखी थी, चेक किया था, तो ये लेजिट है कि नहीं। जब मैंने इसको वेरीफाई किया तब मैं आपके सामने इस चीज़ को लेकर आ रहा हूँ। इंशाल्लाह और भी मैं रास्ते आपको बताऊँगा कि आपने जो है ऑनलाइन अर्निंग, इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा बताऊँगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इस हवाले से कोई क्यूरी है जिसको कोई बात ना समझे, कमेंट करें आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह आई विल बी देयर फॉर योर सपोर्ट। एक्चुअली बात यह है कि हम लोग जो है आईटी इंडस्ट्री में हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऑनलाइन सही तरीके से अर्निंग कैसे करनी है। काफ़ी सारे हजरात ऐसे हैं कि हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म हमारे पास समटाइम पता होता है लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस तरह की आपके सामने लेजिट चीज़ें लेके आऊँ जो स्कैम्स ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट आपको मिलती जाएं कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो मैंने नई वीडियोस डालनी है। थैंक यू जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।